दिवाली। ओ हम दिवाली के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सभी को हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा। हैप्पी काली पूजा। तो आज दिवाली है। बंगाल में आज के दिन काली पूजा होता है और लक्ष्मी पूजा हम दुर्गा पूजा के दो दिन बाद ही मना लेते हैं। तो मेरे सभी बंगाली भाई बहनों को हैप्पी काली पूजा। तो जैसे कि अब दिख रहा होगा मिठाइयाँ आ चुकी हैं। वी आर ऑल सेट टू सेलिब्रेट दिवाली। हेलो, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दिवाली के दिन सब लोग रंगोलियाँ बनाया करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आलपुना दिया जाता है। तो मैं आज आलपुना देने का कोशिश करूँगी। तो ये पटाखे समायरा और संजू जाके खरीद के लाए हैं, और भी एक थोड़ा मोरा डेकोरेशन बाकी है। तो अभी भी काम किए जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, उनका काम अभी भी ख़त्म नहीं आया। ये स्प्रे लाइटिंग तो कितने सारे आ रहे हैं मेरे घर में, सब रात को जलेगा तो पता चलेगा। बहुत मेहनत से लगाया है। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। आलपुना जो भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया देने का वो हो चुका है। तो दोपहर का मेनू है चिकन कोरमा, बना लिया है मैंने। अभी बस गरम गरम फ्राइड राइस बनाने को है। चिकन कोरमा और फ्राई राइस बिल्कुल रेडी है। तो हम तो करने जा रहे हैं लंच। शाम हुई भी नहीं है कि मेरे फ्रेंड के घर से ऐसे दिवाली का जो भी है मिठाई जो उन्होंने मेहनत करके बनाया है, ये फ्रेंड लोग के घर से धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। अभी जब मुझे टाइम मिलेगा मैं भी रेडी होके उनके लिए कुछ ना कुछ भेजती हूँ। साइड बाय साइड डेकोरेशन का काम भी चल रहा है। तो मेकअप मैंने कर लिया है, अभी मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ। लेट मी जस्ट शो यू कि मैं कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो आज मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। इसको राजस्थानी लहंगा बोलते हैं। ये जब मैं गुजरात में थी तब मैंने बनवाया था। ये बहुत ही एक प्यारा सा ग्रीन, जो बॉटल ग्रीन कहना शायद ठीक रहेगा, ये बॉटल ग्रीन कलर का है। आई होप इसके फोटोज़ रात को बहुत अच्छे आएँ। तो समायरा भी बिल्कुल रेडी है, बट फाइनली उसको ये ड्रेस पसंद नहीं आया तो मुझे उसका ड्रेस चेंज करना पड़ा। हाय समायरा। तो टाइम तो बहुत ही कम था तो जैसे तैसे मैं तैयार हो गई। तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ दिवाली के लिए। अब बारी आती बाहर जाके दिया जलाने की।
अभी हम जा रहे हैं बाहर दिया लगाने। वही गेस्ट आने वाले हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ किचन में जाके कुछ स्पेशल बनाने को। तो डिनर के लिए बनने वाला है नान और चिली पनीर। तो कुछ इस तरीके से हमने दिवाली सेलिब्रेट की। उम्मीद करती हूँ आपका भी दिवाली बहुत अच्छा रहा होगा। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।